राम राम जी, वेलकम टू माय व्लॉग। जैसे कि आज संडे है तो रोड पे भीड़ भी ज्यादा ही मिलेगी, गाड़ी में गाड़ी चल रही है, डीएलएफ में भीड़ मिलेगी भाई। आज डीएलएफ को भीड़ मिलनी चाहिए, भीड़ तो मिल रही है, भीड़ ही तो देखनी है हमें, भीड़ की वजह तो जा ही रहे हम। ग्रेट नोएडा में आपका स्वागत है। नहीं भैया, ये दरवाजा नोएडा में आपका स्वागत है। आप ये दरवाजा बनाए हो, दरवाजा पूरा नगर है इन्होंने, ये दरवाजा पूरा नगर पे है। आधे छोड़ दिए, ये जोड़ा नहीं आपस में, इनकी उंगलियां छोड़ी दे गई। हम जा रहे हैं डीएलएफ नोएडा, क्या लेने? एक छोटा सा मोबाइल लेना है। मोबाइल ऐल हम आपको दिखाएंगे, अनबॉक्सिंग भी करेंगे उसका। अब भाई डीएलएफ पहुंच के बात करेंगे, रास्ते में भी बात कर लेंगे, कोई बड़ी बात ना है। निकल लिए भैया, आ जाओ भाई हमारे साथ चल रहा हो तो परिचौक पर वेट कर लेंगे हम तुम्हारा। हाँ भाई कर लेंगे, वेट कर लेंगे। गाड़ी में सीट वीट तो ऐसी हो रही है, पर हाँ खोल लेंगे सीट, में कोई बात ना, वेट कर लेंगे भाई। नोएडा वाला हाईवे या पा गाड़ी आ रही जा रही है, उल्ली उड़ा रही है, पल्ली उड़ जा रही है। भाई ने आवाज़ मार दी गाड़ी में, सू भाई ने फिर गाड़ी थोड़ी तेज चलाई। भाई फिर समझाने लगे मुझे हाईवे के रूल। भाई ने हाईवे की खूब सारी तारीफ करी। भाई बताने लगे कि यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, स्पीड कैमरा, यहाँ 100 से ऊपर गाड़ी अगर चलाई तो चलान आ जाएगा घर पर। हम पहुंच गए एडवांट के सामने, फिर भाई ने सीटी मार दी। सैमसंग पर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, मैं उसे करूं। भाई के अंदर ये टैलेंट है, तो ये कुछ भी निकाल सकते हैं मतलब। हाँ अच्छी बात है, कबूतर अच्छी बात है, निकाल सकते हैं अपने मुंह से। फिर हमने दो चार बात करी अपने मोबाइल के बारे में। भाई ने बताया कि उसकी ऐसा करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे लोगों। जैसे ये है सैमसंग की नोटिफिकेशन। हाँ जी, कोई कुत्ते को बुलाना हो मैं तो बुला लेते हैं ना, लड़की छेड़ने वाली। और फिर भाई जब चप्पलन के रैपटर की आवाज आवे तब। बाकी आप बताओ हम दोनों भाइयों की लुकिंग कैसी आ रही है, कौन बढ़िया लग रहा देखने में? या तो कुछ बोलो नहीं तो कोई एक्शन करो, खाली लुल बैठ के नहीं चलता, लुल बैठ के ही तो चला जाता। फिर हमने रुक के देखे बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे लोग इनको दाना गिर रहे थे। फिर भाई ने मुझसे बोला कि तू भी कर कुछ, मैंने भी सोचा कि मैं भी दाना खिलाऊं। मैं पहुंच को भाई के दौर है, मैंने कहा भाई दे दो दाना मुझे भी। भाई मेरी तरफ देख के बातचीत करने लगा, फिर उसने मुझे दाने दे दिए। कबूतर ने दाना खिला के मैं बैठ गया गाड़ी में। गाड़ी में बैठते ही इतना अच्छा फील हो रहा है किसी का कुछ दाना खिलाने के बाद, बहुत अच्छा। फिर भाई मुझसे पूछने लगे भाई क्या हो रहा है मन में, मैंने कहा भाई अच्छा लग रहा बहुत ही। फिर भाई ने गाड़ी घुमा दी, हमने पिया टमाटो का जूस, जूस पीते ही हम पहुँच गए डीएलएफ। डीएलएफ का नज़ारा बहुत ही प्यारा। भाई ने अपना खोल दिया छोटा सा मोबाइल, बोर्ड पे आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा क्या चीज़ है ये, बस उसमें प्रो मैक्स जोड़ देना। भाई की होठों पर स्माइल तो आ रही है, लेकिन भाई स्माइल क्यों नहीं कर रहे? अच्छा फ़ोन ऑन हुआ, भाई ने घुमाएंगे तिंगे, आ गई स्माइल, आ गई। फिर भाई ने 15 प्रो मैक्स की कर दी पेमेंट। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, मैं आ गया भारे को, भीड़ देख लो तुम कितनी सारी बढ़ रही है। भाई लाते हुए आ रहे हैं बैग है, गार्ड ने रोक लिया कि हाँ जी कहाँ जा रहे हो, पर्ची चेक कराओ। भाई ने फिर बिल चेक करवा दिया, ये देख लो नज़ारे नज़ारे। भाई एक बात बताओ, आपको कैसा लग रहा है 15 प्रो मैक्स खरीद कर? वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है, सिकट भी निकाली है बाहर। एंगल तो सही भी रहेगा,
तो भाई आज आपको कैसा लगा घूम कर डीएलएफ? बड़ा मजा आया यार, बस वही किडनी का दर्द थोड़ा सा।